उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में पोस्टर वॉर छिड़ गई है। पहले सपा ने अखिलेश का भावी प्रधानमंत्री का पोस्टर लगवाया, अब कांग्रेस ने उसके जवाब में राहुल गांधी को 2024 में देश का मुखिया और अजय राय को 2027 में प्रदेश का नेतृत्व करने का पोस्टर लगाया है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर में लिखा है 2024 में राहुल गांधी और 2027 में अजय राय। इस पोस्टर का सीधा संदेश है कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुख्यमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत सीट ना मिलने से सपा नाराज है। सपा अकेले चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर भी दरार बढ़ती जा रही है। दोनों ही दलों की तरफ से जुबानी जंग जारी है। ऐसे में कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक कार्यकर्ता द्वारा लगाए गए इस पोस्टर ने सपा और कांग्रेस के विवाद को और हवा दे दी है। कार्यकर्ता का कहना था कि आम लोग भी कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद अजय राय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लोगों में कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। लखनऊ में बीते दिनों समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए एक होर्डिंग लगाया गया था। होर्डिंग लगाने वाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि अखिलेश यादव देश के पीएम बने। भारत गठबंधन में हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव ही प्रधानमंत्री का चेहरा बने। कोई भी दावा कर सकता है, लेकिन असल में जो बीजेपी को हरा सकती है वो समाजवादी पार्टी है।